खबर उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती से है, जहां श्रावस्ती के सरयू नहर में नहाने के दौरान 20 वर्षीय युवक गहरे पानी में डूब गया। यह खबर आग की तरह फैलते ही मौके पर युवक के परिजनों सहित तमाम ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक, आपको बता दें कि हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र के सिटकाहना गाँव निवासी 20 वर्षीय अनिल पुत्र छेदीराम गाँव के बगल स्थित सरयू नहर में नहाने के लिए पुल से छलांग लगाते ही लापता हो गया। सूचना पाते ही तहसीलदार जमुना अहमद फरीद खान, थाना अध्यक्ष उमेश कुमार सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, घटना का निरीक्षण कर युवक की खोज करने में जुट गए। बताया जा रहा है कि युवक अनिल मुंबई से मजदूरी करके एक दिन पहले ही घर वापस लौटा था और घर में किसी बात को लेकर मंगलवार सुबह कहासुनी भी हुई थी और दोपहर में यह घटना हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो उसको कभी भी नहर में नहाते हुए नहीं देखा गया था, फिर पता नहीं कैसे वह दोपहर में नहाने नहर पहुंच गया, डूबकर लापता हो गया। नहर पर स्थानीय लोगों के साथ साथ परिजनों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और बहते हुए पानी को देखकर परिजनों का रोक रोक कर बुरा हाल है। तो ही मौके पर NDRF की टीम पहुंची है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी भी अनिल का जो है वो कोई पता नहीं चल पाया है। वही मौके पर भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली है। लगातार स्थानीय गोताखोर व पुलिस व NDRF की टीमों के द्वारा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अच्छा, नहाते समय डूब गया है, क्या मामला था, क्या जानकारी है? मुझे जानकारी ये है कि बच्चे साथ में उसमें यह बताया गया है कि 6-7 बच्चे नहाने गए थे, तो बाकी जो है बच गए, एक डूबने लगा तो सब अपना निकलने बच गए, चले आए, बचा नहीं पाए क्योंकि वो भी छोटे थे, इसलिए वो बचा नहीं पाए। कब का मामला है, कब बच्चा डूबा था, कब नहाने आया था? कल करीब 11-12 के बीच का मामला है, 23 तारीख के। आपको कैसे पता चला? हमें पता चला फ़ोन से, मैं वहाँ श्रावस्ती महोत्सव में गया था, फिर मैं वहाँ से जब फ़ोन मुझे मिला तो मैं वहाँ से भाग कर आए, फिर बड़े साहब को फ़ोन किया, वो भी आए, फिर राजस्व की टीम आई, अभी बचाव कार्य के लिए सब PSC वगैरह भी आई है, बोट चल रही है, बचाव राहत का कार्य जारी है। अच्छा, लगभग कितने घंटे हो गया होगा डूबे, अभी तक पता नहीं? अभी तो लगभग 24 घंटे बीत चुके होंगे, हाँ 24 घंटे के करीब हो चुके हैं। क्या नाम था लड़के का जो डूबा है? अनिल कुमार। कहाँ रहता है? टेपरी है, ग्राम पंचायत सिटकाना। अच्छा, क्या पता चला था यहाँ क्या करने आए थे? बस नहाने के पर्पज से आए थे। ये बताओ, तुम्हारे साथ में एक लड़का कल नहाने आया था, पानी में डूब गया, क्या पूरा मामला, पूरी बात बताओ। सर, उसको लेकर गए थे पकड़ के। कौन लेकर गया था? भुसैली। तो आप भी तो नहा रहे थे, पता चला था? हम लोग निकल ही आए थे, फिर बाद में उसको लेकर गए। फिर क्या हुआ? इसके बाद में लेकर गए पावा केदार में ला के छोड़ दिया। अच्छा, और गुरजीत ने उसको ऊपर से पूछ करा। अच्छा, ये बताओ कितनी देर नहाए थे आप लोग? लमसम आधा घंटा। तो जब ये घटना हुई, आप कह रहे हो कि इसके ऊपर कूद पड़ा, तो आपने किसी से बताया इसके बारे में? इसके बारे में तुरंत चिल्लाया, फिर आके घरे बताया दौड़ के। तो जो उसको मतलब कह रहे हो उसके ऊपर कूद गए थे जो आरोपी, वो सब कहाँ है, वो कहाँ चले गए? नहीं पता। फरार इस समय कितने लोग थे? वो दो। अब आप कितने लोग थे? हम लोग तो 5 थे। कुल कितने लोग नहा रहे थे? 6। अच्छा, नहाने के दौरान कुछ लोग नशा किए थे क्या? हाँ, 3 लोग, वो जो बूढ़ा है उसको और 2 लोगों नशा किया।